5 लाख से ज्यादा मंदिरों में 8 करोड़ लोग जब आरती बोलने के लिए खड़े होंगे तो वह इस बात के संकेत देगी कि हिंदू समाज जाग गया है। दीर्घ 500 वर्षर प्रतीक्षार अंत घटी अयोध्या दिव्य भव्य राम मंदिर प्रतिष्ठा हो विषय आलोचना करने मो सहित अच्छा भीएचपी वर्किंग प्रेसिडेंट आलोक कुमार सर पहले तो आपको स्वागत है और कुछ दिन के बाद मंदिर प्रतिष्ठा होने वाला है क्या सब व्यवस्था है सब विस्तार रूप में थोड़ा पूरा विश्व प्रतीक्षा कर रहा है और 22 जनवरी का बात ये दोपहर को 12:20 अभी जीत मुहूर्त जब भगवान अपने जन्म स्थान पर बने हुए गर्भगृह में विराजमान हुए प्राण प्रतिष्ठित हो जाएंगे। अयोध्या सजी हुई है दुल्हन की तरह शायद वैसी ही जैसी त्रेता युग में राम के आने के दिन सजी थी। पक्के चौड़े रास्ते दोनों तरफ म्यूरल्स में भगवान के जीवन की 3D घटनाएं एक सुंदर नया स्टेशन मंदिर जैसा लगने वाला एयरपोर्ट सब मिलकर इंतजार कर रहे उन 4,500 संतों के आगमन का जो हिंदू समाज की 150 से अधिक मत पंथ संप्रदाय के हैं हमारे अनुसूचित समाज में से हैं देश के हरेक जिले में से हैं और साथ ही सिख जैन बौद्ध परंपराओं के भी हैं। इसके साथ ही विश्व के 5 लाख से अधिक मंदिरों में भी समाज संगठित होकर के पर्दे पर इस दृश्य को देखेगा और जब वहां आरती होगी तो आरती में सम्मिलित होगा। ऐसा भव्य आयोजन और रात्रि को दीपावली होगी। अनेकों बस्तियों में वो दीपावली का दृश्य ऐसा होगा जैसे वहां सूर्य अस्त होना भूल गया। पूरी शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती ने मंदिर प्रतिष्ठा कराने के लिए मना किया। उन्होंने कहा कि शंकराचार्य पद की कुछ मर्यादाएं होती हैं, आसन है छत्र है उन सब मर्यादाओं का पालन तो संभव नहीं है पर उन्होंने मंदिर बनने का स्वागत किया है और कहा है कि अवसर मिलते ही मैं आऊं। मंदिर प्रतिष्ठा को लेकर थोड़ा राजनीति भी हो रहा है। कांग्रेस के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे हो एक्स प्रेसिडेंट सोनिया गांधी वो मना कर रहे प्रतिष्ठा आने के लिए। जो आना चाहे उनका स्वागत है जो नहीं आना चाहे उनकी इच्छा है सबको बुलाया है हमने प्रधानमंत्री के साथ में विपक्ष के नेता को भाजपा अध्यक्ष के साथ अन्य दलों के अध्यक्षों को सब आएंगे तो अच्छा होगा नहीं आएंगे तो हमें कोई शिकायत नहीं है उनसे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी आएंगे। हाँ हाँ उन्होंने कहा है कि वो अवश्य आएंगे। कार सेवकों को क्या कहना चाहेंगे आप? कार सेवकों में से जो बलिदान हो गए मैं उनको कहूंगा उस दिन सब देवता भी आकाश में होंगे देखने के लिए तुम सब लोग भी वैकुंठ से आ जाना। आसमान में से देखना कि जिस बात के लिए जीवन का बलिदान किया है वो साकार हो गई। श्री अशोक सिंघल वामदेव जी महाराज रामचंद्र परमहंस दास जी महंत अवैद्यनाथ जी देवरहा बाबा मोरोपंत पिंगले और वही सब लोग जो 74-76 युद्धों में लड़े और वीरगति को प्राप्त हुए हम उन सब की उपस्थिति का कृतज्ञता से अनुभव करेंगे और कहेंगे ये मंदिर तुमने रक्त देकर बनाया है। सारा विश्व में जितने भी राम भक्त हैं क्या कहना चाहेंगे स्पेशली मंदिर की प्रतिष्ठा को लेकर? क्या बताएंगे हिंदुत्व के स्वाभिमान की पुनर्स्थापना हो गई जीवन का स्वप्न पूर्ण हो गया। ढांचा गिरा तो कॉलोनियल माइंडसेट पर धक्का लगा। मंदिर के शिखर पर जब ध्वजा लहराएगी तो वो इस बात की भी घोषणा करेगी 5 लाख से ज्यादा मंदिरों में 8 करोड़ लोग जब आरती बोलने के लिए खड़े होंगे तो वह इस बात के संकेत देगी कि हिंदू समाज जाग गया है
संगठित हो गया है, विश्व में अपनी जिम्मेवारियों को पूर्ण करने के लिए तैयार है और इस बात की भी आकांक्षा करता है कि राम जी में वहां प्राण प्रतिष्ठा हुई तो हमारे हृदयों में भी रामचंद्र आकर विराजे। थैंक यू सर। अयोध्या राम मंदिर प्रतिष्ठा पाई सारा विश्व एवं राममय हो उठी। नुआदिल्ली कैमरा पर्सन नीरज मनोज मोहंती अर्गस न्यूज। जदि आपणको आम वीडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।